अपन कर रहे हैं टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल का हाई लेवल पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। और कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो सर कुछ अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। सर कैसा क्वेश्चन है? एबीसी इज अ ट्राइंगल, अब क्वेश्चन गिवन है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी सच दैट, अगर अपन बात करें ए बी इज इक्वल टू 14 एंड बी सी इज इक्वल टू 48, बी सी इज इक्वल टू 48, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड अंडर अ ट्राइंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अभी देखो यहाँ पे एंगल बी कितना है 90, पहले बात बताओ अपन ने क्या पढ़ रखा है, टेंजेंट टू रेडियस कितना होता है 90, तो अगर ये देखो ए बी अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 90। सर यहाँ पे भी अगर अपन बात करें टेंजेंट टू रेडियस कितना होगा 90, तो सर देखो ये आर है, ये भी क्या है आर है, और सर बट ऑब्वियस सी बात है फिर ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90। तो सर ये स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, मैंने बोला हाँ स्क्वायर बनता हुआ दिख तो रहा है, ठीक है ना। तो सर अगर हम आपसे बात करें तो ये बात भी आप समझिएगा कि अगर ये आर है कौन सा, अगर नाम दूं ओ और इसको सेंटर नाम दे देते, इसको पी नाम दे देते, इसको क्या नाम देते क्यू, तो वी कैन से ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर, ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर, ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर, ओ पी बी क्यू क्या है तुम्हारे पास स्क्वायर है। तो सर फिर आपका बी क्यू कितना हो जाएगा आर, और पीबी भी कितना हो जाएगा आर, क्योंकि देखो एंगल बी तो कितना 90 गिवन ही था, एंगल पी चाहे एंगल क्यू दोनों 90 क्यों हुए, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट टू रेडियस, टेंजेंट टू रेडियस। क्या ये प्रॉपर्टी होती है क्या कि किसी भी सर्कल को अगर टेंजेंट कट करके निकलता है तो रेडियस पे वो कितना बनाता है 90, रेडियस पे कितना बनाता है वो 90। तो सर देखो टेंजेंट का मतलब ही क्या, क्या ये ए बी इसको कट करके निकल रहा है क्या, हाँ, क्या बी सी इसको कट करके निकल रही है क्या, हाँ। तो सर एंगल पी और एंगल के दोनों क्या होगा 90, तो सर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, बचा हुआ ये भी क्या होगा 90, तो इससे क्या हो गया आपके पास ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि सर इसका मतलब इसकी सारी साइड्स क्या हो गई आर, सारी साइड्स क्या हो गई आर, चलेंगे गेम को आगे बढ़ाए। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो, देखो ना क्या मैं बोल सकता हूँ पी बी is equal to BQ is equal to कितना हो गया R, ये भी R है और ये भी कितना है R, बताइए अला बचा हुआ हिस्सा फिर कितना हो जाएगा, बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा 48 minus R, क्योंकि पूरी BC कितनी थी आपके पास, सब पूरी BC थी आपके पास कितनी 48, अगर अपन बात करें तो पूरी BC थी कितनी कैस 48, उसमें से अला हिस्सा कितना है R, तो बचा हुआ हिस्सा ये कितना हो जाएगा 48 minus R। बता पूरी ए बी कितनी थी 14, पूरी ए बी कितनी थी 14, तो सर उस ए बी में से अगर याला हिस्सा कितना है आर, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 14 माइनस आर, गेट इट। तो सर याला हिस्सा अगर आर है तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा आपके पास 14 माइनस आर। अब मुझे छोटी सी बात बताओ कि अगर ये पूरी 14 थी, इतना हिस्सा आर था, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या इसको नाम दूं, अगर आप लोग अलाउ कर दो एम, तो अपन बोल सकते हैं क्या एपी इज इक्वल टू एम, एपी इज इक्वल टू एम, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या ये टेंजेंट ही है क्या, एक इस तरफ टेंजेंट है और एक तरफ टेंजेंट, तो एपी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस आर, अगर ये 14 माइनस आर है तो यार ऐसा भी कितना हो जाएगा 14 माइनस आर। सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बताओ क्या क्यू सी, क्यू सी is equal to कितना MC, is equal to कितना 48 minus कितना R। सर ये बात जानने की है कि tangent from external point are always equal, मतलब सर आप समझाना क्या चाहते हो, किसी भी अगर सर्कल पे किसी भी दूर वाले पॉइंट से अगर टेंजेंट बन रहे हैं, समझो ये सर्कल है और इस पे किसी भी दूर वाले पॉइंट से क्या बन रहे हैं टेंजेंट, अगर ये P है, ये A है और ये क्या है
वी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पी ए इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, पी बी, पी ए इज इक्वल टू क्या रहेगा पी बी, तो सर पी ए वुड बी इक्वल टू वॉट पी बी, पी ए शुड बी इक्वल टू वॉट पी बी, गॉट इट क्या? चले अब अगर मैं तुमसे बोलू पाइथागोरस देखें क्या, तो इसका मतलब आप पाइथागोरस कैसे लगाना चाहते हो? मैं तो लगाना चाहता हूं दोस्तों ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ए सी का स्क्वायर, बताओ ए बी कितनी है 14 का स्क्वायर, बताओ बी सी कितनी है 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, हाँ कि ना? स्टेप वन थी आपने ओपी बी क्यूब क्या पुट करा स्क्वायर, क्या पुट करा स्क्वायर, ये स्टेप वन थी। स्टेप टू कहां से शुरू हुई, यहां से जहां आपने यूज करा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो इक्वल, ठीक है। स्टेप थ्री क्या थी आपके पास कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ए सी का स्क्वायर, जो कि अभी क्या चल रही है पाइथागोरस, क्या चल रही है पाइथागोरस। तो सर 14 का स्क्वायर कितना होता है, अगर बच्चे बता पाए सर 14 का स्क्वायर होता है 196, और 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर शायद होता है 2304, चेक कीजिएगा एक बार आप, 2304 ही होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना एसी का स्क्वायर, तो बताओ टोटल कितना आ गया 2500 इज इक्वल टू व्हाट एसी का स्क्वायर, तो इसका मतलब एसी इज इक्वल टू कितनी आ गया, बताओ 2500 कितना होता है एसी का स्क्वायर, एसी कितनी आ गई 50। अब आपसे फाइनल टच क्वेश्चन का थर्ड स्टेप हो गई, एसी कितनी 50, एसी का मतलब ही क्या 14 माइनस आर प्लस कितना 48 माइनस आर, तो अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो आप एसी के लिए लिख क्या सकते हो, बताओ एसी की वैल्यू कितनी है 14 माइनस आर प्लस 48 माइनस आर इज इक्वल टू कितना 50, तो सर आपका यहाँ पे कितना 62 माइनस 2R इज इक्वल टू कितना 50, 62 माइनस 2R इज इक्वल टू कितना 50, टाइम टाइम सर 2R इज इक्वल टू कितना 12 और R इज इक्वल टू कितना 6, R इज इक्वल टू कितना, टाइम दे रहा हूं फिर समझा भी रहा हूं, पहले यहां करो फिर अपन आगे बढ़ा, ABC is a triangle. ABC is a OBC. OBC. OBC is a triangle with angle O as 70 degrees. If AB is tangent to circle, AB is tangent to circle. Find angle. अगर मैं बात करूं, find angle Q, angle QBC. आपको याला angle का QBC. देखो सर सबसे पहले बात इस क्वेश्चन को देख के ये ख्याल आता है, अगर आपको लगे तो मानिएगा, कैन वी से सबसे स्टेप में साथ साथ चलते हैं ना, क्या लिख सकते हैं ओबी इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास आर, क्या ओबी और ओसी इक्वल है, अरे ओबी और ओसी, ओबी और ओसी क्या है पहले इक्वल, तो आपने उसको क्या लिख लिया आर, ठीक है क्या, इसका मतलब सर याला एंगल वन और याला एंगल टू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना एक्स, ये x और ये x, x plus 70 is equal to 180, 2x is equal to 1110 और x is equal to 55, x is equal to 55, तो सर याला एंगल तो आ गया कि भाई x तो कितना आ जाए 55 ना, ठीक है। अब कोई बच्चा बता सकता है क्या O B Q कितना है, ओ बी क्यू सर एंगल ओ बी क्यू पूरा कितना है 90 सर, क्योंकि वो टेंजेंट टू क्या है रेडियस, ओ बी क्यू कितना है तुम्हारे पास 90, तो सर अगर ओ बी क्यू आपके पास पूरा पूरा 90 है
तो मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बताओ इतना अलग से जो एंगल निकल रहा है ये बचा हुआ वो कितना होगा? तो सर एंगल सी बी क्यू जो आपको चाहिए वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस व्हाट 55। तो 90 माइनस 55 इज व्हाट? 35। तो एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 35। एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 35 डिग्री। चलेगा क्या? अच्छा क्वेश्चन था, चेक कर लो एक बार। रेडियस है ना बेटा, तो ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। रेडियस और ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। ठीक है क्या? चले अब अगर सर अगला क्वेश्चन लिया जाए तो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि देखिएगा जरा अच्छे से और आराम से। ए बी सी इज अ ट्रायंगल such that BC is tangent to circle with center O at point P and Q. If अगर मैं बात करूं अब, if AP is equal to 12, if AP is equal to 12, find perimeter of triangle. Find perimeter of triangle. If AP is equal to 12, find perimeter of triangle. अब अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो तुम्हारे पास AP कितना है? 12। AP कितना है? तो सर पहली बात तो बोलना चाहूंगा भाई देखो AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 12 क्योंकि दोनों की दोनों क्या होगा? टेंजेंट। ये भी टेंजेंट और वो भी क्या होगा? टेंजेंट। AP इज इक्वल टू AQ। क्या ये पूरा सर्कल पर टेंजेंट है? यस। क्या ये पूरा सर्कल पर टेंजेंट है? यस। तो सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया? बिकॉज टेंजेंट टू रेडियस। सर एक और चीज बोल सकता हूँ, अगर बच्चे मान BR इज इक्वल टू BP, BP is equal to BR is equal to मान लेते हैं x, मतलब ये भी x होगा और ये भी कितना होगा? x। CR is equal to CQ is equal to y। ये रहा CR और ये क्या रहा? CQ। क्या ये भी tangent ही है? हाँ सर ये भी क्या है? tangent। तो CR is equal to CQ is equal to कितना? y। तो सर आपने पहले लगाया कि भाई AP is equal to कितना है? AQ। AP is equal to कितना है? AQ कितना? 12। AP is equal to AQ कितना है आपके पास? 12। Then आपने लगाया BR is equal to कितना है? BP is equal to कितना है? X। CR is equal to कितना है? CQ is equal to कितना है? Y। CR is equal to CQ is equal to कितना है? Y। Got it? तो अगर अपन बात कर लें तो सर ये सब आपके पास क्या चल रहा है? ये सब चल रहा है आपके पास tangent to radius। Tangent to what? Sir, tangent to radius, tangent from external point are always equal। आपको theorem में लिखना क्या पड़ेगा? Tangent from external point are always equal। Tangent from external point are always equal। Tangent from external point are always कितना? ठीक है। तो सर AP is equal to AQ is equal to 12, BP is equal to BR is equal to X, CR is equal to CQ is equal to कितना? Y। Got it? यहाँ तक आ गया समझ में? अब सर मुझसे कोई पूछे कि perimeter of circle क्या है, तो मैं उसको बोलूँगा देखो भाई perimeter of triangle कितना? तो देखो perimeter of triangle के लिए अगर आप लोग allow करो तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी, पूरी ए बी बाकी नंबर प्लस कितना? एक्स प्लस कितना? वाई प्लस कितना? ए सी। क्या यही पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? ए बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कितना? ए सी। क्या यही पेरीमीटर है क्या? अगर यही पेरीमीटर है
तो अपन गेम को आगे बढ़ाएं। चलें क्या सर? अब सर इसमें क्या करना है आगे? मैंने बोला देखो यार, इसमें जो आगे करना है वो काफी काम की चीज कैसी है, खुद बताओ। ए बी प्लस एक्स, ए बी प्लस एक्स, क्या ए पी ही है क्या? खुद बताओ, ए बी प्लस एक्स, ए बी प्लस एक्स क्या है? ए पी, हाँ कि ना? और अगर अपन बात करें ए सी प्लस वाई कितना है, सही है कि नहीं? खुद चेक करो ना, ए सी प्लस कितना वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास? ए क्यूब। ए सी प्लस वाई कितना आपके पास? इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ क्या? ट्राइंगल। तो सर ये बात तो मालूम पड़ गई। और आपको और बता दें कि एपी और ए क्यू भी आपस में इक्वल ही है, दोनों एपी और ए क्यू भी आपस में क्या है? इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि एपी प्लस ए क्यू की जगह पे भी क्या लिख सकते हो? एपी ही लिख सकते हो, क्योंकि एपी भी तो दिखती है, वो सेम ही है। एपी प्लस एपी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ व्हाट? ट्राइंगल। तो अगर अपन बात करें एपी प्लस एपी इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्वाइस ऑफ एपी, मतलब टू इंटू कितना? ट्वेल्व इज इक्वल टू कितना? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया आपके पास? 24। क्या अच्छा क्वेश्चन था और करने लायक क्वेश्चन था। हाँ यार, ओसवाल का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। करना शुरू करो और दो बार करो इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, साथ में बनाओ, फिगर साथ में बनाना, आगे पीछे में बनाना। एक सर्कल ये रहा, ये रहा आपके पास ए बी, और ये रहा आपके पास सी डी। क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि भाई ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करो। तो बोल रहे हैं ए बी और सी डी क्या है? कॉमन टेंजेंट है, मतलब वो भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दोनों सर्कल्स। मतलब देखो ट्राई करते हैं, जब ए बी और सी डी को कैसे इक्वल प्रूफ करें। तो सर इसको आगे ले जाओ और इसको भी आगे ले जाओ और दोनों को मिला दो किस पे? पी पे। किस पे मिला दो? पी पे। तो सर कंस्ट्रक्शन क्या करा? तो आप लिखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे एक्सटेंड ए बी टू पी एंड सी डी टू पी, एक्सटेंड ए बी टू पी एंड सी डी टू पी, ठीक है ना? अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप देखिएगा, ये दोनों पी में मिल गए, क्या सबसे पहले बोल सकता हूं एपी और सीपी आपस में इक्वल है? क्यों भैया? एपी टेंजेंट है ना भाई, ये इस पर टेंजेंट है, इस पर क्या है? टेंजेंट। पढ़ना तो है कि किसी भी सर्कल पे बाहर से कोई भी दो लाइनें ऐसे कट के निकलेंगी वो तो क्या होंगी? इक्वल। तो सर आप ऐसा बोल सकते हो क्या, पूरा ए पी सी और पी ए, पी सी और पी ए क्या आपस में इक्वल है? तो पी ए इज इक्वल टू कितना? पी सी। पी ए इज इक्वल टू कितना? पी सी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू कितना? पी डी, ये छोटा छोटा, हाँ कि ना? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, देखता हूँ कितने बच्चे बता पाते हैं कि सर आपने दोनों में लगाई कौन सी थ्योरम? टेंजेंट टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर इसमें आप देखोगे तो आपने थ्योरम लगाई दोस्तों कौन सी? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो सर आपके पास ये कितना हो गया? ये हो गया था पी ए और ये क्या हो गया था? पी सी। सही है यहां तक? बाकी ना
और इतना हिस्सा कितना हो गया था सर? ये हो गया था कितना? पी बी इज इक्वल टू कितना? क्या ये भी इक्वल है? तो सर दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन कितना? टू। अगर मैं ऊपर वाले में से मतलब पूरे एपी में से अगर बीपी हटा दूं तो बताओ क्या बच गया? ए बी। और पूरी पीसी में से अगर पीडी हटा दूं तो क्या बच गया? सीडी। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? सीडी। ए बी इज इक्वल टू कितनी हो गई आपके पास? सीडी। ए बी इज इक्वल टू कितनी हो गई आपके पास? सीडी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो गई आपके पास? सीडी। गॉट इट? कि ए बी इज इक्वल टू कितनी हो गई आपकी? सीडी। क्या ये प्रूफ करना था? हाँ सर। क्वेश्चन का अगर रिकैप देखा जाए तो रिकैप में क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है। इस प्रकार से बच्चे देखें कि भाई दो सर्कल दिए हुए थे आपको, बोला था कि भाई दोनों पे टेंजेंट है, हमने बोला ठीक है, आपने बोला हमने मानी, उन्होंने बोला भाई ये ए बी टेंजेंट है, हमने बोला ठीक है, वो बोल रहे थे ये सी डी टेंजेंट है, हमने बोला ठीक है, उन्होंने बोला इसको भी आगे ले जाओ पी तक, इसको भी कहां तक ले जाओ? पी तक। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से अपन ने पहले क्या बोलते थे? पी बी, और ये शायद डी यहां पे था और सी यहां पे था, ठीक है। हमने पहले क्या बोल दिया भाई? पूरी पी बी इज इक्वल टू पूरी क्या है? पी सी। तो सर पी बी इज इक्वल टू क्या है? पी सी। गॉट इट? फिर हमने बोला यार देखो बचपन की बातें हैं, पी ए इज इक्वल टू कितना? पी डी। पी ए इज इक्वल टू कितना? पी डी। फिर दोनों इक्वेशन को कर दिया माइनस। अगर पूरी पी बी में से अगर पी ए हटा देंगे तो क्या बच जाएगी? ए बी। और पूरी पी सी में से अगर पी डी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगी? सी डी। क्या ये क्लियर सबको हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विनयनगर वाले बच्चे कंफर्म करो कि हुआ कि नहीं हुआ अभी। टीपी एंड टीक्यू, टीपी टी पी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल वेर लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज सिक्स। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज सिक्स, फाइंड एंगल पी टी क्यू। अब बच्चों से पूछ रहा हूं कि ये तो हमारा सेंटर ओ है सर, क्या ये रेडियस है? मैंने बोला हाँ सर। क्या ये भी रेडियस है? मैंने बोला तो सर ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस। और दोनों कितने कितने सेंटीमीटर? छी छी, ठीक है क्या? तो सर आप समझाना क्या चाहते हो? क्यों आर तो सिक्स गिवन है ना, रेडियस इज गिवन सिक्स, पी क्यू इज ऑल्सो सिक्स। हाँ 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 बिल्कुल, क्वेश्चन में तो गिवन है कि रेडियस कितना है? सिक्स। और पी क्यू भी कितना है? सिक्स। क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इनडायरेक्टली क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसकी ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, अगर अपन बात करें इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू सब कितना है? सिक्स। सब कितना है? सिक्स। तो सर ट्राइंगल ओ पी क्यू इज वॉट? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो एंगल ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ये और अपोजिट एंगल मिला के होता है 180, क्योंकि यहाँ पे 90 निकलता है और यहाँ पे कितना निकलता है? 90। लाइक कैन वी से एंगल ओ प्लस एंगल कौन सा टी इज इक्वल टू कितना? 180। एंगल ओ प्लस एंगल टी इज इक्वल टू कितना? 180। इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर अपन बात करें एंगल हो तो 60 हो गया, तो सर एंगल टी कितना हो जाएगा? 120। एंगल टी कितना हो जाएगा आपके पास? 120। सर क्या बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे तो अच्छा लगा। आगे एक बार आप लोग चेक करो कि आपको कितना किस प्रकार से समझ में आया। सर एक बार वो प्रॉपर्टी वापस बता दो, वो एंगल वाली। बेटा एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये वाला एंगल मतलब कोई भी सर्कल है और ये यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा? 180।
मतलब अगर तो इसको एंगल पी बोल रही हो, इसको ओ बोल रही है, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू हमेशा कितना रहेगा 180। एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना रहेगा आपके पास 180। ठीक है बेटा, क्लियर है जिसने पूछा था?